हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लिस्टिंग स्किल्स। देखते हैं लिस्टिंग स्किल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। टेंट के अंदर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, एक्टिव लिस्टिंग प्रोसेस की स्टेप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्टिंग, फीचर्स ऑफ लिस्टिंग, टिप्स फॉर बींग अ गुड लिसनर और बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिस्टिंग। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव लिस्टिंग या लिस्टिंग होता क्या, वो समझते हैं। इफेक्टिव लिस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग साउंड, ऑर्गेनाइज देम इनटू रिकॉग्नाइज पैटर्न, इंटरप्रेटिंग द पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय इन्फरिंग द मीनिंग। मेनी ऑफ प्रॉब्लम वी एक्सपीरियंस विद पीपल इन आवर डेली लाइव्स आर प्राइमरी एट्रीब्यूट इन इफेक्टिव लिस्टिंग और लैक ऑफ लिस्टिंग। प्रभावी श्रवण ध्वनियों के विश्लेषण की प्रक्रिया है, उन्हें पहचानने योग्य पैटर्न में व्यवस्थित करना, पैटर्न की व्याख्या करना, संदेश को समझना, अर्थ का संदर्भ देना। हम अपने दैनिक जीवन में लोगों के साथ आने वाली समस्याओं में से कई प्रमुख रूप से अप्रभावी सुनने या सुनाने की कमी के कारण। इफेक्टिव लिसनिंग को बोला है कि हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एनालाइज करते हैं साउंड को, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका जो पैटर्न है क्या बोला गया उसको समझते हैं और जो मैसेज दिया गया है उसको समझते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जैसे लड़की बोल रही है HELLO, तो उसने बोला होगा हेलो, तो हमने पहले ये साउंड को सुना, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको समझा। नेक्स्ट टू लिसन इज टू गिव अटेंशन टू द साउंड और एक्शन। व्हेन लिसनिंग वन इज हियरिंग व्हाट अदर आर सेइंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। सुनने के लिए ध्वनि या क्रिया पर ध्यान देना, सुनते समय कोई सुन रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब निकालते हैं। लिसनिंग में बोला गया कि जो साउंड आप सुन रहे हैं उस पर अटेंशन देना आपका, और उसको सुनना कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उस चीज़ को हम समझें। जैसे इसने हेलो बोला तो उसको हमने सुना और उसको हमने समझा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग, सुनने के उद्देश्य। फर्स्ट टू लर्न, जानने के लिए। हमको कुछ भी जानना है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ मैसेज दिया तो उसको हम समझ सकें, उसके लिए हम लिसनिंग करते हैं। सेकेंड है टू इंक्रीज वन अंडरस्टैंडिंग, हमको किसी की बातों को समझना है, उस समझ को हम बढ़ा सकें तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है एडवाइस और कंसोल, किसी को सलाह देते हैं ना, किसी को सजेस्ट करते हैं। किसी ने अभी ट्वेल्थ पास किए तो आप उसको सजेस्ट करेंगे कि वो ट्वेल्थ के पास क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी फील्ड में वो जा सकता है। नेक्स्ट है टू रिलीव वन बोरेडम, लिसनिंग टू म्यूज़िक, एक रूप से राहत पाने के लिए संगीत सुनना। कि आप किसी एक चीज़ से बोर हो गए हैं ना, आप किसी काम में लगे हैं या स्टडी करने में लगे हैं, आप उस पढ़ पढ़ के बोर हो गए, तो आपको क्या लगता है कि आप म्यूज़िक सुन लें तो आप उस चीज़ से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, प्रभावी सुनने के लाभ। फर्स्ट है इन्हेंस प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाता है। अगर आपने आपके टॉप मैनेजमेंट की, आपके सीनियर की बात को अच्छे से सुना है तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा काम दिया गया है और उस काम को आप बहुत सही ढंग से करके देंगे उसको, है ना, वो आपकी इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बताता है। तो इम्प्रूव रिलेशन, आपके जो रिलेशन है दूसरे के साथ उसको इंक्रीज करता है कि और अच्छे वो आपके रिलेशन मेंटेन हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रही है सभी बच्चों को, तो जिन्हों वो फिर क्वेश्चंस पूछेगी, जो बच्चा आंसर्स देगा तो वो क्या होंगे, उनके फेवरेट होते जाएंगे और उनको समझ में आता है कि वो लोग अच्छा पढ़ते हैं, तो क्या होता है आपका रिलेशन मेंटेन्ड होता है। नेक्स्ट है अवॉइड कन्फ्लिक्ट, जो आपके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं अगर आपने बातों को अच्छे से सुना है तो आपके पास मैसेज क्लियर होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न और डाउट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ को बढ़ाता है अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सुनते हैं तो। नेक्स्ट है इम्प्रूव नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी जो बातचीत करने का कौशल या दूसरों से की मूल भाव करते हैं तो वो स्किल्स को भी आपकी इम्प्रूव करता है। दे हेल्प्स यू स्टैंड आउट, आप दूसरों लोगों की मदद कर सकें उसके लिए स्टैंड लेने के लिए आपको हेल्प करता है। कि किसी को कुछ चाहिए, हो सकता है कि ये क्लास में पेन लेके आना भूल गई हो, तो क्या हुआ, इसने खड़े होकर बोल दिया कि हाँ मेरे पास दो पेन है, आप ले सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है पीपल विल अप्रिशिएट इट, जो लोग दूसरे की हेल्प करते हैं बाकी सभी लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लिसनिंग प्रोसेस। फर्स्ट है हियरिंग,
श्रवण, फिर कंप्रेंडिंग, रिमेम्बरिंग और रिस्पॉन्डिंग। अब इसी लिसनिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हियरिंग, सुनना। हियरिंग इज़ द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप इन लिसनिंग प्रोसेस रिलेटेड टू द सेंसरी परसेप्शन ऑफ साउंड। लिसनर फर्दर प्रोसेस द परसीव्ड साउंड फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव। हियरिंग नीड टू बी डन विद अल्टरनेटिव कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट स्टेप बोल रखा है कि हियरिंग आपका पर्पस यहाँ होता है कि आपके जो सेंसेस है आपको उनका फोकस रख के आप साउंड को सुने, कितने इफेक्टिव तरीके से आप उस साउंड को सुन सकते हैं। फिर होता है कि जब आपने साउंड को सुन लिया है तो नेक्स्ट स्टेप आता है फिल्टरिंग। द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व सेंसिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ हियर्ड साउंड। द हियर्ड मैसेज इज कैटेगराइज एज वॉन्टेड और अनवॉन्टेड। द अनवॉन्टेड मैसेज इज डिस्कार्डेड। द सेंस ऑफ जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल कम इन टू प्ले। दैट इज द फिल्टरिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड इन अ पर्सन चूज टू रिटेन वॉट मेक सेंस टू हिम। फिल्टरिंग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि आप पूरे साउंड को जो आपने हियर में सुना है उसमें से जो मैसेज आपके काम का है आप उसको रखते हैं, जो मैसेज आपके काम का नहीं रहता है उसको डिस्कार्ड करते हैं। कंपेंडिंग, समझना। द लिसनर अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर हैज ट्राई टू कन्वे। दिस एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब्ड अस एब्जॉर्बिंग, ग्रेस्पिंग, असिमिलेटिंग। द लिसनर यूजेस हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, परसेप्शन एंड कॉग्निटिव पावर। अब बोल रखा है कि क्या हुआ, हमने पहले हियर किया था फिर फिल्टर किया उस मैसेज को, अब उस मैसेज को हम समझते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करके हमारे नॉलेज एक्सपीरियंस परसेप्शन के अकॉर्डिंग कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। जब हमने उस मैसेज को इस स्टेप में समझ लिया है हमारे माइंड में कि सामने वाले ने क्या चीज़ें बोली है, उसके बाद आता है रिमेम्बरिंग, याद रखना। द असिमिलेटिंग मैसेज इज स्टोर्ड इन द मेमोरी टू फैसिलिटेट फ्यूचर रिकॉल्स। आपको फ्यूचर में वो मैसेज याद आ सके इसलिए आप उसको रिकॉल करते हैं। हो सकता है कि आपको टॉप लेवल ने कोई मैसेज दिया हो मिडिल को, और मिडिल को उस मैसेज को लोअर को बताना, तो कहता है कि मिडिल को उस मैसेज को याद रखने की ज़रूरत होगी। लास्ट स्टेप है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग टू अ मैसेज टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन इमिडिएटली आफ्टर और लेटर टू शो दैट द मैसेज इज बीइंग रिसीव्ड और कंप्रेंड। जो आपने मैसेज लिया था या रिमेंबर किया था आप उसको रिस्पॉन्ड करने की बारी आ गई। जैसे टॉप, मिडिल और लोअर का देखा, तो मिडिल को मैसेज मिला कि लोअर से कुछ काम करवाना है, लोअर से उसने काम करवाया नहीं करवाया, तो उसके लिए आंसर टॉप लेवल को अब देगा। तो ये होती है हमारी 5 स्टेप्स लिसनिंग की प्रोसेस की, हियरिंग, फिल्टरिंग, कंप्रेंडिंग, रिमेंबरिंग और रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। एन अटेंटिव लिसनर सिमुलेट बेटर स्पीकिंग बाय द स्पीकर। जो अच्छा एक श्रोता होता है, जो एक अच्छा सुनने वाला होता है, वो स्पीकर को ज़्यादा अच्छा बोलने के लिए मोटिवेट करता है कि वो और ज़्यादा अच्छा बोले। अ गुड लिसनर लर्न मोर देन एन ऑर्डनरी लिसनर। जो नॉर्मल पीपल सुनते हैं उससे एक गुड लिसनर ज़्यादा अच्छे से आपकी बात को समझ सकता है। जैसे कि क्लासरूम में कोई टीचर्स पढ़ाते हैं तो किसी का हमको थोड़ा सा याद रहता है और किसी का बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो आपने किसी की क्लास में ऑर्डनरी लिसनिंग की होगी और किसी की क्लास में गुड लिसनिंग की होगी। नेक्स्ट है अ गुड लिसनर लर्न टू रिजेक्ट प्रीजस्टिस एजम्पशन एंड एटीट्यूड। जो एक गुड लिसनर होता है वो खुद के अनुमान से या खुद की एजम्पशन और खुद का एटीट्यूड नहीं लगा के बातों को सुन, बल्कि जो स्पीकर बोलना चाहता है उन बातों को समझता है। कम्युनिकेशन इज नॉट कम्प्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। जो भी आप बातचीत बोलते हैं वो अगर अच्छी तरीके से सुनी ना जाए तो वो आपकी बातें कम्प्लीट नहीं होती है। अ गुड लिसनर लर्न मोर देन एन इन डिफरेंट लिसनर। जो गुड लिसनर होता है वो नॉर्मल लिसनर से ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझता है और उससे ज़्यादा अच्छे से गेन करता है। लिसनर कैन रिस्ट्रक्चर वेग्यू स्पीकिंग इन अ वे दैट प्रोड्यूस क्लियरर मीनिंग। जो एक गुड लिसनर होता है वो स्पीकर को समझाता है या उसको ज़्यादा अच्छे से किसी वर्ड्स के मीनिंग बोलने के लिए मोटिवेट करता है, ज़्यादा अच्छा वर्ड्स का
सिलेक्शन करवाता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ लिसनिंग, सुनने की विशेषता। लिसनिंग इज मेंटल एक्टिविटी। लिसनिंग को एक मेंटल एक्टिविटी बोला कि आप क्या करते हैं, माइंड में चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और उसका पता लगाते हैं कि उसको इंटरप्रिटेट करते हैं आपके खुद के नॉलेज, एक्सपीरियंस और जजमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स बाय कॉन्शियसनेस एंड कॉन्सेंट्रेशंस। ये आपकी खुद की कितने आप चेतन है और एकाग्रता, आप किसी चीज़ को लेके कितने फोकस है उस चीज़ में भी आपका इम्प्रूवमेंट लाता है कि और आप और फोकस है और किसी चीज़ को और अच्छी तरीके से सुने। इट इज़ अ स्किल अस इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एक्सपीरियंस। ये एक स्किल है जिसको कि आप एक्सपीरियंस से आप किसी चीज़ को सुनने समझने बैठे, आपको एक बार समझने की दो बार, पर आप उसको बार बार सुनेंगे समझेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प इन लिसनिंग। जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, पोस्चर, वो भी आपको हेल्प करता है लिसनिंग में कि सामने वाला क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आप उसके एक्सप्रेशन को देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग सिमुलेट स्पीकिंग। जो लिसनर है अगर वो अच्छी तरीके से सुन रहा है, अगर वो क्वेश्चंस पूछता है, तो स्पीकर भी मोटिवेट होता है कि वो ज़्यादा अच्छे से अपने मैसेज को कन्वे करे। लिसनिंग इन्वॉल्व्स पेइंग क्लोज अटेंशन टू द साउंड दैट कम इन वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी लिसनर है जितनी भी साउंड आती है उसका पूरा ध्यान रहता है कि वो उन सभी बातों को सुने और समझे और वो वहाँ पे अटेंटिव होता है। ये है कुछ फीचर। नेक्स्ट देखते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अब जब लिसनिंग होती है बैरियर्स भी होते हैं कि आप इफेक्टिव तरीके से लिसनिंग को कम्प्लीट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे 4 बेसिस है उसके अकॉर्डिंग बैरियर्स दिए हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, शारीरिक बाधाएं। उसके अंदर आता है हियरिंग इम्पार्टमेंट, कि आपने जो भी बोला गया है उसको अच्छी तरीके से सुना नहीं है, तो वो क्या होता है आपकी साइकोलॉजी में हो सकता है कि माइंड में उस टाइम पे कोई सा दूसरा थॉट चल रहा हो, तो आपने जो किसी और ने बोला है वो उस बात पे ध्यान फोकस नहीं दिया। नेक्स्ट है स्पीकिंग थिंकिंग रेट, जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसका सोचने का तरीका कैसा है, जो उसके माइंड में होगा वो वही चीज़ को कन्वे करेगा, तो दोनों की साइकोलॉजी का बैरियर हो सकता है, स्पीकर का भी और लिसनर का भी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बैरियर्स। फर्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जैसे कि हो सकता है कि आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठे हैं और सामने टेलीविज़न चल रहा है और वहाँ पे आपका फेवरेट मैच आ रहा है, तो क्या होगा कि वो क्या होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि आप इस बुक को छोड़ें और क्या करें इस मैच को देखें। नेक्स्ट है वर्क ओवरलोड, कभी कभी आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हो सकता है कि आप क्या हो कि इन्वॉल्व आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करने जाता है कि आप प्रॉपर लिसन कर सकें। नेक्स्ट है एटीट्यूडनल बैरियर्स, प्रीजस्टिस, कि आप पहले से कुछ अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ लेते हैं, कि आपका एटीट्यूड होता है कि आप पहले से सोच लिया है कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, तो सामने वाला कुछ और बोल रहा है तब भी आप क्या समझेंगे जो आपके माइंड में चल रहा है, तो वो एक बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है इकोसेंट्रिक बैरियर्स, कि आपने जो लिसनिंग हैबिट्स है वो आपकी अच्छी नहीं है, आपने बातों को अच्छी तरीके से सुना नहीं है। फेक अटेंशन, जो भी चीज़ें हैं आपका उन पे अटेंशन प्रॉपर होता नहीं है। लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स, जो भी लिसनिंग आप करते हैं उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट या मेन चीज़ें रहती हैं काम की बातें, आप उन्हीं को सुनते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं सुनते, तो वो भी एक बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग मटेरियल्स, जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं लिसनिंग में आप उनको हटा दें और जो काम की बातें नहीं रहती हैं उनको ना बोलें। नेक्स्ट है टिप्स फॉर बींग अ गुड लिसनर, कि आपको अच्छा लिसनर बनना है तो आप अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है लेट द स्पीकर फिनिश बिफोर यू बींग टू टॉक, कि जो भी स्पीकर है आप उसको पहले पूरा कंप्लीट करने दें आपके बोलने से पहले, कि आपने उसका पूरा क्वेश्चन सुना है, उसकी पूरी बातें सुनी है, उसके बाद ही आप आंसर या आप उसको जवाब दें या बातें करें। नेक्स्ट है लेट योर सेल्फ फिनिश लिसनिंग बिफोर यू बिगिन टू स्पीक, जब भी आप बोलने वाले हैं तो क्या करें आप पूरा उस बात को सुन लें,
ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या बोलना है, आप खुद के सोचने में बिजी ना रहे उस टाइम पे। नेक्स्ट डे लिसनिंग फॉर मेन आइडिया, जो भी आपका मेन आइडिया इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको समझें, सुने कि कौन सामने वाला कौन कौन से आइडियाज़ उसके पास है जो कि वो शेयर कर रहा है, उन सभी आइडियाज़ को आप सुन ले, फिर आप डिसाइड करें कि कौन सा बेस्ट होगा। आस्क क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस है या डाउट्स है वो आप पूछें। जैसे टीचर ग्लोब के बारे में बता रही है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का राइट है कि उनको अगर कोई डाउट है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो टीचर से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिव फीडबैक, जब भी आप किसी की बातों को सुन रहे हैं तो आप क्या करें, उसको फीडबैक भी दें। स्पीकर को पता चले कि आपको उनकी जो कन्वर्सेशन है वो समझ में आई है या नहीं आई है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।